सोलन का सबसे व्यस्तम क्षेत्र जहां दिन हो या रात हमेशा आवाजाही लगी रहती है। इस व्यस्तम क्षेत्र में सड़क किनारे एक पोल लगा है जो बीच में से टूटकर पूरी तरह से झुक चुका है और गिरने के कगार पे है। अगर ये अचानक गिरता है तो एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी इस माल रोड से होकर गुजरते हैं, लेकिन शायद उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी या फिर काम से बचने के लिए ये जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है। शहरवासियों ने गिरते पोल पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ये पोल अचानक गिरता है तो जहां पैदल चलते राहगीर घायल हो सकते हैं, वहीं दो पहिया वाहन चालकों के लिए तो ये और भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए समय रहते विभाग को इस पोल को तुरंत हटाना चाहिए ताकि किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हमीरपुर के छनियारा में नुक्कड़ सभा के बाद अनुराग ठाकुर ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बोला है और नए कीर्तिमान झूठ के बना रही है। साथ ही कांग्रेस ने देश के लाखों करोड़ खाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में एमपी के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पास करोड़ों रुपए मिले हैं, तो कमलनाथ के बेटे की करोड़ों रुपए की संपत्ति बताते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बातें कर रही हो, ऐसी बातें हजम नहीं हो रही है। इसलिए इन चुनावों में जनता को जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीयत है और न ही नीति है। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में लगा हूं, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि खेलों के मामले में कांग्रेस ने केस दर्ज करवाए जिनमें बरी होकर निकला हूं। इन चुनावों में कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता बेसब्री से जवाब देने के लिए इंतजार में है। सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के एजेंडे को देशद्रोही और भाजपा के एजेंडे को राष्ट्रवादी तथा नेता प्रतिपक्ष को नशे का सरगना कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ती नशे के हालत में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि होशो हवास में कोई भी नेता इस तरह की बेसिर पैर बयानबाजी नहीं कर सकता। कभी गाली निकालते हैं, कभी महिलाओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी हाथ काटने की धमकियां देते हैं, तो कभी समाज सेवा में जुटे राधा स्वामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। सतपाल सत्ती का यह आचरण यही दर्शाता है कि वे या तो नशे की हालत में ऐसी बयानबाजी करते हैं या फिर किसी भयानक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में नशे के कारोबार ने उद्योग की शक्ल इख्तियार कर ली है तथा आए दिन नशीले पदार्थों के सेवन से युवा मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं, परंतु भाजपा और उसके अध्यक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं। वह तो उसके ऊपर भी राजनीतिक बयानबाजी करने में व्यस्त हैं, जो कि निंदनीय है। प्रेम कौशल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने पूर्व में सरकारों के बदलने पर एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे बनाने की परिपाटी का जिक्र किया है, चुटकी लेते हुए कहा कि शायद मुख्यमंत्री के निशाने पर प्रेम कुमार धूमल रहे होंगे। मुख्यमंत्री के उस कथन पर, जिसमें उन्होंने चुनावों में देश के गांधी मुक्त होने की बात कही है, उस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान अहंकार से भरा है और सच्चाई यह है कि इन चुनावों में देश भाजपा एवं मोदी मुक्त होने जा रहा है। इस चुनाव में देश जो है वो गांधी मुक्त होने जा रहा है। जयराम जी का ये बयान अहंकार से भरपूर है, अहंकार पूर्ण है, लोकतंत्र है, मतदान हो रहा है और इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन चुनावों में देश गांधी मुक्त नहीं, अपितु भाजपा और
मोदी मुक्त होने जा रहे हैं।